प्रातः काल की पावन पवित्र बेला में पुनः पुनः जागना। कल न हम होंगे न गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। भीतर रहना, भीतर रहते ही तुम जगमगा उठोगे उन हालातों में भी जहां सब कुछ तुम्हारे विपरीत है, सब अनुकूल बन जाएंगे। जब मीरा ने भी इतनी विपरीत स्थिति में अनुकूलता प्राप्त कर ली तो हम और तुम क्यों नहीं, हम सब क्यों नहीं। उस प्यास के हम सभी हकदार हैं, केवल अंतर्मुखता यदि साथ साथ रहे तो एक्सट्रोवर्ट लाइफ भी सुखद हो जाएगी। मेडिटेशन महान मेडिसिन है, जिसमें करना कुछ नहीं होता, केवल जागना होता है, केवल अपने आप को भांपना होता है। हम कैसे हैं, कितने में हैं, कहां खोए हैं और कितना जागे हैं, यही खोज तलाश तुम्हें स्वयं अपना और उसका दीवाना बना देगी, जिंदगी का मालिक बना देगी। ये छोटी सी युक्ति तुम्हें जीवन मुक्ति दे देगी। बार बहुत जागे हो दाएं बाएं इधर उधर, लेकिन भीतर एक पल के लिए भी नहीं जागे, केवल मूर्छा ही मूर्छा निरंतर छाई है और भीतर देखने का मन भी नहीं करता। मन ने भी हमको बाहर का गुलाम बना रखा है। ये मन है जिसके गुलाम होकर हम दिन रात मर रहे हैं। वो मौत तो पता नहीं कब आएगी, लेकिन हम पल पल मर रहे हैं। सर्वप्रथम इससे आजाद होना, हर हालात में तुम अपना ख्यालात नहीं भूलना, अपनी प्यास अपनी लगन को बढ़ाना। भगवत गीता के माध्यम से यही प्यास निरंतर तृप्त हो रही है। पिछले भाग में हमने स्थिर प्रगण के लक्षण देखे, यानी हमें अब स्थित प्रगण की यात्रा पर निकलना है। सबसे पहले स्थित प्रगण बनने के लिए हमें निष्प्रह होना है। निष्प्रह यानी निष्काम होना है, निरंकार अहंकार रहित होना है। पहला है निर्मम यानी ममता रहित होना है, कामना रहित होना है। निरंकार यानी नो ईगो, अब मेरा कुछ भी नहीं। चाहे ज्ञान योग से देख लो, चाहे कर्म योग से, मेरा कुछ भी तो नहीं। शरीर माँ बाप से मिला और जो इसका पोषण हो रहा है वो तुमसे नहीं हो रहा, वो खाने से हो रहा है, मेरा कुछ भी नहीं। मेरा सिर्फ आत्मा, इस आत्मा में जो कुछ भी दिख रहा है वह केवल संयोग रूप से थोड़े समय के लिए आया है। तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा घर, तुम चले जाओगे, ये फिर भी रहेगा। असली में किसका घर? ईंटों का घर, सीमेंट का घर है। जीते जी इस बात का निर्णय कर लो, यहां जो भी जड़ पदार्थ दिख रहा है वह मेरा कुछ भी नहीं है। भले ही मैं उसका भी उपयोग करता हूं, लेकिन थोड़े समय के लिए वो मेरे साथ रहने वाला है। ये शरीर कुछ वर्षों तक रहने वाला है, ये संबंधी कुछ वर्षों तक रहने वाले हैं, लेकिन मेरा नहीं है, मेरे साथ है। और मेरे नहीं है, दोनों बातों में फर्क है। यहां मेरा कुछ भी नहीं है, बस ये स्वीकार कर लो। इससे तुम निर्मम यानी ममता रहित होगे, तुम्हारी आसक्ति टूटेगी। दूसरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे चाहने से प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हारे पुण्य और पाप से प्राप्ति होती है। तुम कितना भी सोचो कि मेरी कोई चीज चोरी ना हो या मुझसे ना बिछड़े, अगर तुम्हारे पाप का उदय है तो ये सब घटनाएं घटेंगी ही घटेंगी। लेकिन जब ये घटना घटती है
कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना प्राप्ति ना अप्राप्ति। तब हम होते चले जाते हैं निस्पृह और निष्काम। निष्काम कर्मयोग तो तब भी करना है। फिर कर्मयोग वालों को ये भ्रांति हो जाती है, फिर क्या हम कोई कर्म ही ना करें कि जब किसी को अपना माना ही नहीं। लेकिन फिर भी तुम्हें अपने कर्तव्य कर्म करने होंगे। अगर तुम स्टडीज के क्षेत्र में हो, पढ़ना होगा, लेकिन साइट्स में टीवी और मोबाइल ना चले। अगर तुम हाउसवाइफ हो तो तुम्हें कर्तव्य करना पड़ेगा, लेकिन साइड में फेसबुक और व्हाट्सएप की जगह तुम्हारी भक्ति चले। जो भी तुम्हारा स्वधर्म है, उस स्वधर्म का पालन करना ही होगा। लेकिन उस स्वधर्म को पालन करने में कोई बाधा पहुंचाए तो कोई क्रोध नहीं, कोई सहयोग पहुंचाए तो उसका लोभ नहीं। दोनों को धन्यवाद। तुम्हारे साथ कोई भी सिचुएशन हो, दोनों स्थितियों में ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, लक्ष्य बनाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर उस लक्ष्य में कोई बाधा आ जाए तो क्रोध नहीं, लक्ष्य की पूर्ति हो जाए तो मान नहीं, लोभ नहीं। बस ये बात समझ में आनी चाहिए। लेकिन लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि जब कोई कामना ही नहीं करनी तो गोल ही ना बनाए, क्योंकि गोल डिसाइड करना भी तो कामना है। लेकिन ऐसा नहीं है, वह तो तुम्हारा स्वधर्म है। कमाने का लक्ष्य भी रखना है, क्योंकि ये कर्मयोग है, संन्यास नहीं है। लेकिन उस कमाने में कोई बाधा पहुंचाता है तो क्रोध नहीं, और कमाई हो जाती है तो उस कमाई को सिर्फ बाहरी बाहर खर्च नहीं करना, नहीं तो अंत में कब्रिस्तान। उस कमाई का कुछ भाग निष्कामता में खर्च होना चाहिए। अगर लक्ष्य में कोई बाधा पहुंचा रहा है तो लोभ नहीं, बस थैंक यू गॉड। तीसरी बात, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना। जब इंसान के भीतर ये दृष्टिकोण आता है कि अब मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, यह है सम्यक दर्शन, यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति। अपने लिए कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो परमात्मा स्वरूप हूं, लेकिन मुझे यदि समबुद्धि सम्यक दर्शन मिल जाए तो मेरे आस पास के लोग सुकून से जी सके, बस उसके लिए सम्यक दर्शन करना है। अभी सम्यक दर्शन नहीं है तो कभी भी क्रोध, कभी भी वासना, कभी भी आकुलता, कभी भी इरिटेशन हो जाती है, यानी तुम्हारी बुद्धि अभी अस्थिर है। तुम कुछ भी प्राप्त करो, लेकिन मैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए इसे कैसे यूज कर सकता हूँ, इससे तुम्हारा अहंकार टूटेगा। अहंकार का काम क्या है कि सब मेरे लिए, सब मेरे लिए, नाम तो मेरे लिए, समय तो मेरे लिए, धन तो मेरे लिए, लेकिन समय, शक्ति, संपत्ति, ज्ञान, इन सब में बंटवारा करो। इतना मेरे लिए, इतना जन कल्याण के लिए, मुझे इसका उपयोग करना है। तब क्या होगा? तब कहीं ना कहीं तुम्हारा अहंकार टूटेगा। तीन बातें कही गई, निस्प्रह होना है यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, निर्मम होना है यानी कि ये तथ्य स्वीकार कर लो कि यहां मेरा कुछ भी नहीं है, और यदि आत्मज्ञान भी चाहिए तो उस आत्मज्ञान में जो भी शांति, प्रेम, सद्भाव, सबका मंगल का भाव निकल रहा है, वह सभी तक पहुंचे, तब जाकर मनुष्य होने की सार्थकता है, और तभी जीवन का होना सार्थक कहलाएगा। निर्मम यानी मेरा कुछ भी नहीं है, सब संयोग है। अगर मेरा मेरा करोगे तो झगड़ा होगा और तुम दुखी रहोगे। दूसरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, गोल्स बनाना बंद नहीं करना, लेकिन साइड्स में भक्ति, सत्संग, ध्यान भी चलना चाहिए, इससे तुम निस्पृह होगे। तीसरा, मुझे जो भी मिलता है वो अपने लिए नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारे ज्ञान से किसी को लाभ हो। जब तुम किसी के निष्काम भाव से कुछ देते हो तो तुम्हारा अहंकार टूटता है। अगर तुम कुछ करके नाम चाहते हो तो समझना बीच में अहंकार आ गया, और जहां अहंकार आ गया वहां परमात्मा का दिव्य अनुभूति हो ही नहीं सकती। इसीलिए कहा गया, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर संपत्ति ज्यादा है तो जनहित में खर्च करो, अगर शक्ति ज्यादा है तो सेवा में आओ, अगर ज्ञान है तो दूसरों को बांटकर खुद भी सुखी हो जाओ, यानी कि जो भी तुम में टैलेंट है तुम्हारे भीतर, उसमें भी दूसरों का निष्काम बांटो, तब तुम्हारा ममत्व जाएगा, तब तुम्हारी स्पृहा जाएगी, तब तुम्हारा अहंकार जाएगा।
नेक्स्ट अंतिम श्लोक में कहा गया, हे अर्जुन, यदि ब्रह्मनी स्थिति है, यानी ब्रह्म में जो लीन है, ऐसे व्यक्ति की स्थिति है, यानी कि ब्रह्म को पुरुष कहा जाता है। उस पुरुष में जो भी लीन होता है, उसके लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे ब्रह्मनी कहा गया, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। यानी जो भक्ति है, लीनता है, उसके लिए कहा गया ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष ब्रह्मणी के अंदर है। ये पुरुष कैसा होता है? तुम्हें दिखता तो जगत में है, लेकिन होता ब्रह्म में है। ये पुरुष तुम्हें इंद्रियों को भोगता नजर आता है, परंतु स्वाद तो परमात्मा का ही चखता है। ये पुरुष कैसा होता है? अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में रहता है, लेकिन इन सभी परिस्थितियों में अनुभूति तो सिर्फ परमात्मा की करता है, केवल परमात्मा की। हम भी ब्रह्मणी स्थिति में जल्दी से जल्दी आए, इसके लिए राग का रूपांतरण करो प्रेम में। प्रेम यानी निष्कामता, यानी अपना उपयोग दूसरों के लिए, और राग का भी रूपांतरण करो क्षमा में। लेकिन इसकी लगातार कॉन्टिन्यूटी अभ्यास चाहिए। यह कर्मयोग की बात चल रही है, लेकिन लक्षण बुद्धि के बताए जा रहे हैं। अब वापस अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, जब बात बुद्धि को स्थिर करने की है, तो हे कृष्ण, तुम मुझे युद्ध रूपी कर्म को करने के आदेश क्यों दे रहे हो? यहां से वापस झगड़ा शुरू होगा दोनों के बीच। वापस कृष्ण समझाएंगे कि कर्म करना भी बुद्धि का ही एक भाग है। कैसे? ये सब हम नेक्स्ट वॉल्यूम में देखेंगे। अंतस की धारा में पल पल जागे रहना। जो इंसान खुद के लिए जीता है, जो इंसान खुद के लिए जीता है, उसका एक दिन मरण होता है, पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है, उसका हमेशा स्मरण होता है। जागे रहना।